हेलो, एक बार फिर से आप सभी का राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, आज हमारा जो राजस्थान क्लास संस्कृति का है, जो हमारा एक नया टॉपिक वो राजस्थानी भाषा और साहित्य जो क्या हो रहा है स्टार्ट पर। तो चलिएगा, हम अभी राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। लोचो जी, मैं लिख देता हूँ अपना राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। अब देखिएगा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, अब देखिए इन ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, तो वैसे को रिलेटेड रहेंगे। साहित्य भी जो है वो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड रहता है और भाषा भी ये जो साहित्य से क्या रहती है, रिलेटेड रहती है। सबसे पहले हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम साहित्य के बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखिएगा, राजस्थानी जो हमारी भाषा है, राजस्थानी जो भाषा है, ये राजस्थानी भाषा आई कहाँ से थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसका जो उल्लेख किन किन लोगों ने इसका जो है वर्गीकरण किया था, उन संपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी बोलियाँ और उसके बाद इसकी उपबोलियों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा जी, सबसे पहले मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा, जॉर्ज थॉमस। किसका लिख रहा हूँ? जॉर्ज थॉमस। देखिएगा, आप जानते ही हो कि जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान का क्षेत्र के रूप में राजपूताना शब्द का जो प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे? जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस ने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक कब लिखी थी? 1800 ईस्वी में, और उस पुस्तक का नाम था साहब द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। समझ गए मेरी बात? अब देखिएगा, उसके बाद में जॉर्ज थॉमस के बाद में एक और व्यक्ति आए थे, उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था साहब द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी सर्वप्रथम जो क्षेत्र के रूप में जो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, और उन्होंने 1829 ईस्वी में पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यानी इनसे पहले, कर्नल जेम्स टोड से पहले, एक जॉर्ज थॉमस ने पुस्तक लिखी, वो 1800 ईस्वी में लिखी, उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, यानी इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, वो प्रकाशन साहब 1805 ईस्वी में हुआ, और करने वाले कौन थे? तो विलियम फ्रैंकलिन। और इस पुस्तक में जो सर्वप्रथम राजस्थान का क्षेत्र के रूप में राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। समझ गए बात? अभी मैंने दो इतनी बातें इसलिए बताई क्योंकि ताकि आपको आगे राजस्थानी भाषा के बारे में अच्छे से क्या होते जाए, तथ्य अपने क्लियर होते जाए। तो एक बार आप इन चीजों को देखिएगा, समझ गए मेरी बात? अब एक बार आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम अगली चीज पर बढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा की ओर। कर लीजिएगा, कर लिया होगा। अब देखिएगा, राजस्थानी भाषा, अब मेरी बात सुनिएगा, राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इन्होंने 1912 में संपूर्ण भारत की जो भाषाएं थी उन सभी भाषाओं का इन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो पहला बात हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में बातें करेंगे, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान से सुनिएगा, 1912 में, बात कब की कर रहे हैं, 1912 की, और 1912 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था साहब द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया।
इस पुस्तक के अंदर, यानी पुस्तक का क्या नाम था, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो बताओ भारत के अंदर ही कौन सी भाषा आती है, राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। घटना कब की है, 1912 की। पुस्तक कौन सी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ध्यान सुनिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट बात। साहब ये जो हमारी राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का कोई प्राचीनतम प्रमाण है या नहीं है। साहब हमारी ये जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का कोई प्राचीनतम प्रमाण है या नहीं है। हाँ साहब, जरूर एक प्राचीनतम प्रमाण है। उस प्रमाण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कुवल्यमाला। ये जो कुवल्यमाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है, तो उन लेखक का नाम है उद्योतन सूरी। यानी इस ग्रंथ में कई बातें मिलती, बातें कौन कौन सी मिलती हैं साहब। एक तो बात इस ग्रंथ के अंदर वो मिलती है साहब, भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तो भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगली बात मिलती है साहब इस ग्रंथ के अंदर, दूसरी जो बात मिलती है वो मिलती है 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। और इन्हीं 18 देशी भाषाओं के अंदर एक भाषा, उस भाषा का नाम मिलता मरु भाषा का। कौन सी भाषा का उल्लेख मिलता है, मरु भाषा को। देखिएगा तो 18 देशी भाषाओं में एक भाषा, जो कौन सी भाषा, मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। कौन सी भाषा का उल्लेख मिलता है, तो मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। आप बोलोगे सर ये मरु भाषा राजस्थान में क्या है, तो यानी मरु भाषा का मतलब वर्तमान मारवाड़ी। कौन सी, मरु भाषा का मतलब क्या साहब, वर्तमान मारवाड़ी। तो ध्यान से देखिएगा, जो राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो तो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। घटना कब की, 1912 की। पुस्तक कौन सी, पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। वर्गीकरण कितने भागों में किया अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। एक बार थ्योरी, यानी शुरुआती थोड़ा बेस देखिएगा, उसके बाद में हम आगे बातें करेंगे और इसके बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, उसके बाद में राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम, जो प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, और यह प्रमाण मिलता कौन से ग्रंथ में, कुवल्यमाला ग्रंथ में। लेखक कौन है, उद्योतन सूरी। यह ग्रंथ है कब का, तो 778 ईस्वी का। और इसी ग्रंथ के अंदर भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और 18 देशी भाषाओं का भी क्या मिलता है, उल्लेख। 18 देशी भाषाओं में राजस्थान की एकमात्र भाषा कौन सी भाषा, मरु भाषा का उल्लेख मिलता, मतलब वर्तमान कौन सी, मारवाड़ी, जो जोधपुर के आसपास बोली जाती है ना मारवाड़ी, उसी भाषा का यहां पर क्या मिलता है, उल्लेख। तो देखिएगा फटाक से, अब देखिएगा ऊपर लिए मैं कर देता हूं, अब देखिएगा ऊपर मैं और बातें बताता हूं। अब देखिएगा उसके बाद में, एक आपको पता है एक कवि थे, उनका नाम था अबुल फजल। बताइएगा अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, उसका नाम था साहब आईने अकबरी। अब बताइएगा ये अबुल फजल कहां के थे साहब, तो अबुल फजल साहब कहां के थे, नागौर के थे। अकबर के नवरत्नों में क्या थे, शामिल थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था आईने अकबरी। अब बताओ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, और हमें कभी ना कभी, मान लो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और हम कभी ना कभी जब हम बड़े आदमी बन जाए तो हमें कोई ग्रंथ लिखते हैं साहब, तो सीधी सी बात है हम जिस क्षेत्र से रहेंगे तो उस क्षेत्र की भाषा का भी हम उसमें क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। और यही बात अबुल फजल ने की, इन्होंने आईने अकबरी के अंदर राजस्थानी भाषा का क्या किया साहब, उल्लेख किया। अबुल फजल ने भी आईने अकबरी के अंदर राजस्थानी भाषा का क्या क्या उल्लेख किया। तो ध्यान से देखिएगा, तो राजस्थानी भाषा के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो कुवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है, और एक इसमें मिलता है आईने अकबरी। ये तो प्राचीनतम हो गया, मतलब 778 का, और ये मध्य काल का हो गया, लगभग जो अकबर के काल की घटना की हो गई, 1556 से लेकर के 1605 के मध्य की कुछ ये किताब लिखी गई थी, उसी किताब का ये वर्णन हो गया। तो देखिएगा ध्यान से इन चीजों को क्या कर लीजिएगा, एक बार चीजों को क्या कर लीजिएगा साहब, नोट कर लीजिएगा फटाक से, उसके बाद हम अगली चीजों की ओर बढ़ते हैं।
फटाक से कर लीजिएगा चीजों को नोट। कर लिया, अब देखिएगा अब मैं अगली बात बता रहा हूं, वो बता रहा हूं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अब हम अगली चार बात किस पर कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, यानी ये जो हमारी राजस्थानी भाषा है साहब, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो देखिएगा सर्वप्रथम उत्पत्ति का मैं एक आपको डायग्राम बताता हूं, उसके साथ हम डायग्राम के साथ हम चीजों को समझेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमारे यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो आप बोलोगे साहब हमारे यहां पर भारत में सबसे प्राचीनतम जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी, संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत। यही संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा कालांतर में आगे जाकर के दो भागों में बंट गई। कितने भागों में बंट गई, दो भागों में, एक तो बनी इसकी पाली भाषा और एक खुद यानी संस्कृत जो मिश्रित संस्कृत एक अलग से भाषा बन गई। यानी संस्कृत से एक भाषा अलग हुई और वो भाषा कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, पाली भाषा। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा, और एक खुद है जो संस्कृत क्या अलग से अपनी भाषा के रूप में रह गई। अब देखिएगा ये जो पाली भाषा थी, ये पाली भाषा आगे जाकर के कितने भागों में बंट गई, तो साहब ये आगे जाकर के तीन भागों के अंदर बंट गई। कौन सी भाषा, तो पाली भाषा। अब देखिएगा ये पाली भाषा तीन भागों में बंटी, ये तीन भाग कौन कौन से थे, एक तो था सोर सेनी प्राकृत, एक कौन सा था, सोर सेनी प्राकृत, एक था मगधी प्राकृत, एक था मराठी प्राकृत। यानी ये पाली भाषा आगे जाके तीन भागों में बंटी, एक सोरसेनी प्राकृत, एक मगधी प्राकृत और एक मराठी प्राकृत। समझ गए साहब, अब हमें राजस्थानी भाषा में किस भाषा का प्रयोग होना है, हमें किसका प्रयोग करना, तो हमें सोरसेनी प्राकृत का। यानी ये सोरसेनी प्राकृत आगे दो भागों में बंट गई, एक तो इसका जो भाग हुआ था उस भाग का नाम था साहब गुजरी अपभ्रंश, एक भाग था उसका नाम था गुजरी अपभ्रंश और एक भाग हुआ उसका नाम था नागरी अपभ्रंश। नागरी अपभ्रंश, एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक नागरी अपभ्रंश। ध्यान रखिएगा जो हमारे हिंदी और जो राजस्थानी भाषा है वो सोरसेनी यानी गुजरी अप सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से इनकी क्या हुई थी साहब, उत्पत्ति हुई थी। यानी इसी गुजरी अपभ्रंश से आगे कौन सी भाषा बनी, एक तो हिंदी बनी और एक कौन सी बनी, राजस्थानी भाषा। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप बताओगे सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी साहब, राजस्थानी भाषा बनी। सबसे पहले संस्कृत दो भागों में, पाली भाषा और संस्कृत में। अब देखिएगा ये जो पाली भाषा थी ये तीन भागों में, सोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और मराठी प्राकृत। हमें इन दोनों से कोई लेना न कोई देना, हमें किससे लेना साहब, सोरसेनी प्राकृत से। सोरसेनी प्राकृत आगे दो भागों में बंट गई, एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक नागरी अपभ्रंश। ये जो गुजरी अपभ्रंश है, इसी गुजरी अपभ्रंश से एक तो हिंदी भाषा बनी, एक कौन सी भाषा बनी, राजस्थानी भाषा। तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप बताओगे साहब सोरसेनी प्राकृत के, क्या बताओगे, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। अपभ्रंश से, समझ गए मेरी बात। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, हमारे जो जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन थे, जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम राजस्थानी भाषाओं का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था, उन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या बताया था, उन्होंने बताया साहब जो राजस्थानी भाषा है वो गुजरी अपभ्रंश से नहीं बनी है, वो किससे बनी है साहब, नागरी अपभ्रंश से बनी है। किस अपभ्रंश से बनी है, नागरी अपभ्रंश। उन्होंने बोला कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई। कौन से अपभ्रंश से हुई, नागरी। तो यही मैं नोट लगा करके एक पॉइंट लिख देता हूं किसका, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी
प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई, नागरी अपभ्रंश से हुई। अब देखिए आपको यहां पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि साहब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप सीधा बताओगे सोर से नहीं, प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से। लेकिन आपको वहां पर यह पूछ ले कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप बताओगे सोर से नहीं, प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, नागरी अपभ्रंश से हुई, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसी से यहां पर बताया था। तो फटाक से आप ये दो पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर क्या कर लो साहब, लिख लो, और ये भी सारणी बनाओ, तो ये भी सारणी क्या कर लो, बना लो फटाक। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फटाक से चीजों को क्या करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमारी परमानेंट होती हैं साहब, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमारी परमानेंट होती है, और जितना पसीना रगड़ोगे उतना ही निखरोगे, समझो ना। यानी जितना अपने आप को घसीटोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, तो ही एक दिन क्या होगे, निखरोगे। कहते ना साहब, सफल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो मेहनत है। यानी सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, सफलता मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है साहब, फिदा हो जाती है। अपनी मेहनत की ओर बढ़ते रहेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही एक दिन आपका जो ये रास्ता बदलने वाला है साहब। दुख इन रास्तों पर मिला है, तो सुख भी इन्हीं रास्तों पर मिलेगा, दवा भी इन्हीं रास्तों पर मिलेगी। लेकिन अपने आप को हमेशा बनाए हुए रखना, क्योंकि इधर उधर की लाइनों में चले गए ना, तो फिर इस ट्रैक पर हम जमने वाले नहीं है। तो चलेगा फटाक से इन चीजों को क्या कर लीजिएगा, नोट। मैंने पहले क्या बताई, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, अब देखिएगा नेक्स्ट बात। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप वर्ड समझ गए होगे, सोर से नहीं, प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार पूछ रहे, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर से नहीं, प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, नागरी अपभ्रंश से। लो साफ, अब कर दूं मैं इन चीजों को क्या कर दूं, साफ कर दूं। लो अब देखिएगा हम पढ़ेंगे अगली चीज, वो क्या पढ़ेंगे साहब, मैं हेडिंग लगा रहा हूं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। यहां पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दो इतिहासकारों ने किया था, एक तो क्या था डॉक्टर एल पी तेसी तोरी ने, और मैंने एक अभी आपको बताया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया था वो किन्होंने किया था, तो एक तो क्या था हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और एक इसने किया, तो एक जो दूसरा किया था वो क्या था, लुईजी पियो तेसी तोरी ने, यानी एल पी तेसी तोरी ने, लुईजी पियो तेसी तोरी, यानी एल पी तेसी तोरी, यहां पर आप एल पी भी बोल सकते हो, समझ गए ना। तो ध्यान रखिए, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है, और एक किसने किया, लुईजी पियो तेसी तोरी, यानी एल पी तेसी तोरी ने किया था। तो देखिएगा सर्वप्रथम मैं किसकी बातें करेंगे, हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की करेंगे, उसके बाद में आगे एल पी तेसी तोरी की बातें करने वाले। तो देखिएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार बताएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का कौन सा अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन, कौन सी पुस्तक, तो आप बोलोगे द लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कब, 1912 में, उसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, पांच, कितने भागों में बांटा, पांच, कितनी अंगुलियां खड़ी की है मैंने, पांच, तो उसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था, पांच भागों में। तो देखिएगा, यानी 1912 में लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ
इंडिया में इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे गए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो कितने भागों में किया? 5 भागों में किया। कब था? तो किया था साहब 1912 में। और किताब कौन सी, पुस्तक कौन सी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था। और बाद में राजस्थानी भाषा को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। अब देखिएगा 5 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिएगा एक तो है हमारी पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी भाषा बनाई इन्होंने? पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद में एक इन्होंने भाषा बताई, वो कौन सी बनाई बताई थी? दक्षिणी राजस्थानी। अब देखिएगा अगली में 3 भाषा आपको तरीके और तरीके से याद रखनी है। देखो किस तरीके से, 3 नंबर पहले आप लिखो उत्तर, फिर 4 में लिखो मध्य, 5 में क्या लिखोगे? दक्षिण। क्या लिखोगे? दक्षिण। और सबके आगे क्या कर दो? पूर्व। क्या कर दो सबके आगे? पूर्व। और आगे लगा दो साहब राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी और राजस्थानी। ये लो साहब इन्होंने 5 वर्गीकरण। एक तो हमारी कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। एक दक्षिणी राजस्थानी। उसके बाद उत्तर, मध्य और दक्षिण, आगे क्या लगा दो? तीनों के आगे पूर्व, यानी उत्तर पूर्व राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। समझ गए मेरा? तो देखिएगा ये कौन बांटने वाले थे? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 5 भागों में बांटा था। मेरे ख्याल से ये 500 पॉइंट आपको, यानी 500 प्रकार आपको अच्छे से भाषाओं के क्या हो गए कंप्लीट हो गए। यानी पहले पश्चिमी, फिर दक्षिणी, फिर मध्य, पहले उत्तर, मध्य और दक्षिण, आगे क्या लगा दो? पूर्व। उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। लो जी ये आपका कौन सा हो गया साहब? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। अब देखिएगा जो ये हमारे लुईजी पियोत्ती सितोरी है, यानी एल, अब अगली मैं यहीं पर बात बता दे ऊपर की ओर, यानी एलपी सितोरी के अनुसार, किन के अनुसार? एलपी तिस्सितोरी के अनुसार। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का 2 भागों में वर्गीकरण किया था। कितने भागों में? 2। तो ध्यान रखिएगा कितने भागों में वर्गीकरण किया? 2 भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? 2 भागों में। एक तो इन्होंने बताया था कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, और एक इन्होंने बताया था पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी, तो देख लीजिएगा, यानी एलपी तिस्सितोरी ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया था वो कितने भागों में किया था? 2 भागों में, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। लेकिन अपने ये जो है कौन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने कितने भागों में किया था? 5 भागों में, पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी 2, उसके बाद उत्तर मध्य दक्षिण 3 करो, आगे क्या लगा दो? तीनों का आगे पूर्व, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो ध्यान से इन चीजों का क्या कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर नोट। और ये भी पॉइंट, राजस्थानी जो भाषा का जो वर्गीकरण वाला बात था, वो वर्गीकरण वाली बातें भी आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्या आ गई होगी, समझ में आ रही होगी। फटाक से क्या करते हुए चलिएगा, चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। कर दूं लो साहब, यदि नोट में पीछे रह जाओ तो क्या करना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेके रखना, या फिर एक बार क्लास को क्या कर लेना, वापस देख लेना, ताकि चीज़ें आपकी हमेशा के लिए क्या होती जाएं, क्लियर होती जाएं। अब देखिएगा अगली बात,
अब अगली बात देखिएगा, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं उन हम सभी प्रमुख बोलियों के बारे में बात करने, और बोलियां कितनी है साहब, पांच। देखिएगा पांचों के नाम। पहले जो बोली उसका नाम है मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली। उसके बाद में जो दो नंबर है वो है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी होगी? ढूंढाड़ी बोली। तीन नंबर कौन सी है? वो है साहब हमारी मेवाती बोली। अगली चार नंबर है वो कौन सी है? मालवी बोली। और अगली पांच नंबर है वो कौन सी है? अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली। कौन सी बोली? अहिरवाटी बोली। तो ध्यान रखिएगा राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, और राजस्थान की भाषा की जो प्रमुख बोलियां कितनी है आप बताओगे? पांच। कौन कौन सी हैं? तो एक तो मारवाड़ी बोली, एक ढूंढाड़ी बोली, एक मेवाती बोली, एक मालवी बोली और एक अहिरवाटी बोली। अब देखिएगा प्रत्येक बोली की साहब क्या क्या होती है? उपबोलियां होती है। प्रत्येक बोली की क्या क्या होती है? उपबोलियां होती है। इस मारवाड़ी बोली की कोई ना कोई क्या उपबोलियां हैं, उसी तरह इस ढूंढाड़ी की भी क्या आगे उपबोलियां हैं, उसी तरह मेवाती भी क्या है, मेवाती की भी क्या है उपबोलियां हैं, और मालवी की भी क्या है उपबोलियां, और अहिरवाटी की क्या है उपबोलियां, कौन सी की नहीं है उपबोलियां वो भी बातें बताऊं, और कौन कौन सी उपबोलियां हैं वो भी बातें करने वाले। तो देखिएगा इसी के आगे मैं लिख देता हूं आपकी कौन सी क्या लिख देता हूं, उपबोलियां, यानी मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। देखिएगा मारवाड़ी की जो उपबोली है, एक मारवाड़ी की उपबोली वो कौन सी है? मेवाड़ी। यानी जो मेवाड़ी बोली है वो मेवाड़ी बोली इस मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। मारवाड़ी की क्या है? उपबोली। मेवाड़ी के बाद में अगली है वो कौन सी है? वागड़ी। कौन सी है? वागड़ी। वागड़ी के बाद में अगली है वो कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी है? शेखावाटी। शेखावाटी के बाद में अगली है भीली थली। कौन सी है? भीली थली। अगली है साहब देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी। अगली है वो है साहब हमारी डटकी खेराड़ी, समझ गए? डटकी खेराड़ी। अगली है गोडवाड़ी, गोडवाड़ी। तो देखिएगा उपबोलियां, देखो देखो कौन कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बिल्ली थली, देवड़ावाटी, डटकी खेराड़ी, गोडवाड़ी, और एक अगली है उसका नाम है हमारी कौन सी? बांगड़ी। कौन सी है? बांगड़ी। समझ गए मेरी बात? तो ये तो आपको नाम क्या रखने साहब, सही से क्या रखने, ध्यान में रखने कौन कौन सी बोलियां हैं, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बिल्ली थली, देवड़ावाटी, डटकी खेराड़ी, गोडवाड़ी और बांगड़ी। अब देखिएगा आगे अगली, जैसे नागौरी, जैसलमेरी, ये जिलों के नाम पर है, बीकानेरी, बाड़मेरी, और ये तो अब आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है साहब, क्योंकि आप खुद स्वयं इतने समझदार हो कि जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, समझे, बीकानेर, ये संपूर्ण वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसकी मतलब ये जो पर्टिकुलर जो जिलों में बोलियां बोली जाती है वो इसकी क्या हो जाती है? उपबोलियां हो जाती है। क्या हो जाती है? उपबोलियां। लेकिन ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना, मेवाड़ी किसकी उपबोली है? तो आप बताओगे किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। वागड़ी, एक तो वागड़ी साहब, ये वागड़ी है कहां की? तो ये वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कहां की मैं लिखूंगा आगे बताए, एक बार यहां पर बोल रहा हूं आगे लिखूंगा, वागड़ी कहां की है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। उसके बाद में शेखावाटी, सीकर, चुरू, झुंझुनू। अगली भीली, और ये भीली ध्यान रखना इसी वागड़ी की क्या है? उप बोली है। जो भील जनजाति जहां बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर बोली जाती, कहां पर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगली साहब थली, थली कहां पर बोली जाती है? बीकानेर के रेतीले दौरों में कुछ गांव के, कुछ गांव है उन्हें थली का क्षेत्र कहते हैं, बीकानेर
के रेतीले क्षेत्रों के अंदर वहां पर एक बोली बोली जाती, उसे क्या कहते हैं? थली। उसके बाद में देवड़ा वाटी, सिरोही के देवड़ा चौहान राजपूतों द्वारा जो बोली बोली जाती वो कौन सी है? देवड़ा वाटी। उसके बाद में अगली है डटकी, ये भी सिरोही के क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है, छोटे से क्षेत्र में यानी जहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र में, कौन सी है? डटकी। खेराड़ी, ध्यान रखना खेराती खेराड़ी का मूल जो केंद्र है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और क्या है? बूंदी। और इस भाषा को बोलते हैं कौन है? तो मीणा जनजाति के लोग। कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? मीणा जनजाति के लोग। अगली बात गोडवाड़ी, गोडवाड़ी का प्रमुख केंद्र बाली तहसील पाली और जालोर, बाली तहसील पाली और जालोर। अगली बात आती है बांगड़ी, बांगड़ क्षेत्र, ध्यान रखना वागड़, वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन बांगड़ी बांगड़ क्षेत्र तो सीकर और झुंझुनू। बांगड़ क्षेत्र कौन सा है साहब? सीकर और झुंझुनू। और अगली तो आप जानते हो नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ये मैं चीजें आगे लिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैंने बातें बता दी ताकि दो तीन बार आप इन चीजों को देखोगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी साहब? याद हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछेंगे कि मेवाड़ी किसकी बोली है तो आप बोलोगे मारवाड़ी की। आपसे पूछेंगे खेराड़ी किसकी बोली है तो आप बताओगे मारवाड़ी की। आपसे पूछेंगे बांगड़ी किसकी बोली है तो आप बोलोगे मारवाड़ी बोली की। किसकी बोलोगे? मारवाड़ी बोली की। अब देखिएगा अगली हम किसकी बोलियां पढ़ते हैं तो साहब ढूंढाड़ी की उप बोलियां। अगली हम किसकी पढ़ेंगे तो इस ढूंढाड़ी की उप बोलियां। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लेकर आया हूं इस तरीके, ध्यान से ढूंढाड़ी की अब जो बोलियां वो कौन कौन सी हैं? तो एक है हमारी तोरा वाटी, किशन ने गड़ी, अगली है अजमेरी, एक है नागर चोल, नागर चोल, एक है हमारी नागर चोल के बाद में जो हाड़ोती, हाड़ोती, और एक है चौरासी, चौरासी। कौन सी है? चौरासी। तो ध्यान रखिए इस बोलियां कौन कौन सी है? तोरावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, नागर चोल। एक मिनट यहां पर, यानी नागर चोल, हाड़ोती और चौरासी। ध्यान रखिएगा ये जो ढूंढाड़ी की आपसे बोलियां पूछ ले कौन कौन सी है? तोरावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, नागरचोल, हाड़ोती और चौरासी। अब देखिएगा ध्यान से, तोरावाटी कहां पर बोली जाती है? तो जहां कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र में जो एक नदी बहती है जो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर में बहती है, सीकर के बाद में आगे झुंझुनू की सीमा, झुंझुनू में बहती है, और झुंझुनू के बाद में आगे सीकर की सीमा पर क्या, चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? बोली बोली जाती है तोरावाटी। और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा? सीकर और झुंझुनू का। कौन सा? सीकर और झुंझुनू का, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में अगली आती है किशनगढ़ी, नाम से स्पष्ट है किशनगढ़ है अजमेर में। कहां पर है किशनगढ़? अजमेर में। उसके बाद में अजमेरी कहां पर? पर्टिकुलर अजमेर में, या फिर इसे आप अजमेरी का एक और भी नाम देते तो मेरवाड़ा, मेरवाड़ी, यानी मेरवाड़ी। ये भी कहां पर बोली जाती है? अजमेर में। उसके बाद में नागरचोल, ये टोंक और स्वाईमाधोपुर में क्षेत्र में बोली जाती है, टोंक और स्वाईमाधोपुर के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचोल। उसके बाद में हाड़ोती, तो हाड़ोती क्षेत्र कोटा बूंदी, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। और अगली चौरासी, तो चौरासी कहां पर बोली जाती है? शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? शाहपुरा जयपुर। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था ना खेराड़ी, जो खेराड़ी तो बोली जाती है शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन ये चौरासी बोली जाती है वो कौन से शाहपुरा में बोली जाती है? तो ये शाहपुरा कौन सा? अपना जयपुर वाला। कौन सा? शाहपुरा जयपुर वाला। अब देखिएगा अगली बोलियां, अगली आती है अपना मेवाती। ध्यान रखिएगा इसकी कोई उपबोली नहीं है, कोई उपबोली नहीं है, यानी मेवाती की कोई भी उपबोली नहीं है। अगली आती है साहब मालवी, तो इस मालवी की दो उपबोलियां हैं, एक उपबोली का नाम है रांगड़ी और एक का नाम है निमाड़ी। एक का नाम है रांगड़ी और एक कौन सी है? निमाड़ी। ये मालवी से स्पष्ट है कि ये मालवा के, यानी मालवा के जो मालवा के पटा से जो क्षेत्र छूते हैं वहीं पर बोली जाती है, यानी विशेष रूप से देखें तो अपना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़, कोटा और बूंदी, उन क्षेत्रों में बोली जाती है कौन सी बोली? मालवी बोली। और इसकी जो बोलियां एक तो है रांगड़ी और एक कौन सी है? निमाड़ी। ये कौन सी है? रांगड़ी और एक कौन सी है? निमाड़ी। ध्यान रखिएगा अब देखिए अगली अहिरवाटी, तो इस अहिरवाटी की कोई उपबोली नहीं है। ध्यान रखना इसकी कोई उपबोली नहीं है,
लोसा। देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की दो ऐसी भाषाएं हैं जिनकी ऐसी दो राजस्थान की दो ऐसी बोलियां हैं जिनकी कोई भी उपबोलियां नहीं है। एक तो हमारी कौन सी मालवी, नहीं मालवी की सॉरी है, एक तो मेवाती और एक कौन सी है अहिरवाटी। यानी मेवाती और अहिरवाटी की कोई भी उपबोलियां नहीं है और बाकी की मैंने आपको उपबोलियां यहां पर लिख दी। एक बार फटाक से क्या घुमा लो साहब, नजर घुमा लीजिएगा अपनी स्लाइड पर और उसके बाद में फटाक से कॉपी के अंदर चीजों को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में अगली बातें हम करते हैं फटाक से। मेरे ख्याल से जो ये चीजें आपको अच्छे से क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। फटाक से क्या होकर करते हुए चलिएगा, उतने मैं थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। एक बार मैं वापस बताओ, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कितनी बोलियां साहब, पांच। कौन कौन सी है? मारवाड़ी बोली, इसकी बोलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, भीली, थली, देवड़ावाटी, डटकी, खेराड़ी, गोडवाड़ी और बांगड़ी। अगली नागौरी, जैसलमेरी, बीकानेरी और बाड़मेरी। उसके बाद में ढूंढाड़ी की कौन कौन सी बोलियां, तो ढूंढाड़ी की तोरावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, नागरचोल, हाड़ोती और चौरासी। उसके बाद में अगली कौन सी है? मेवाती, मेवाती की कोई भी बोली नहीं है। अगली साहब कौन सी है? मालवी बोली, मालवी की दो बोलियां, एक तो रांगड़ी और एक निमाड़ी। उसके बाद में अहिरवाटी, इस अहिरवाटी की कोई भी बोली नहीं है। क्या कर लो आप फटाक से, इसके मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले कौन सी बोली के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ने वाले हैं। फटाक से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कर लिया हुआ, अब देखिएगा। मारवाड़ी बोली, देखिएगा मारवाड़ी बोली सर्वप्रथम मैं इसका क्या बता रहा हूं आपको, क्षेत्र। अब तो मारवाड़ क्षेत्र कहां पर है, तो आप लोग एक तो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वही कौन सी है, मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। यानी जोधपुर के जो आसपास के आप जिले उठा लो, आप नागौर उठा लो, आप जैसलमेर उठा लो, आप बाड़मेर उठा लो, आप पाली उठा लो, जालोर उठा लो और बीकानेर उठा लो, इन जिलों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली है? मारवाड़ी बोली। तो देखिएगा मैं पहले क्षेत्र, तो आप बताओगे क्षेत्र में जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी जोधपुर के आस पास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। और आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सा? एक तो अपना नागौर है, यानी नागौर, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, पाली और जालोर और बाड़मेर। यानी इन जिलों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, तो आप बताओगे कौन सी बोली है साहब? मारवाड़ी बोली। सबसे पहले मारवाड़ी बोली का आपको क्षेत्र ध्यान रखना, कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी, यानी नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर और बाड़मेर। समझ गए मेरी बात? अब अगली बात साहब, इस मारवाड़ी बोली का जो प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? अभी बताया था मैंने प्राचीनतम प्रमाण, अभी बताया था मैंने ग्रंथ बताया था जिसे उद्योतन सूरी ने लिखा था, ग्रंथ का नाम था कुवलयमाला, 778 ईस्वी का, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख और 18 देशी भाषाओं में एकमात्र भाषा कौन सी? मरु भाषा। और मरु भाषा ही कौन सी? वर्तमान मारवाड़ी। तो बताओ प्राचीनतम जो प्रमाण वो कौन से ग्रंथ में? कुवलयमाला, कुवलयमाला
ग्रंथ में। अभी मैंने कुवलिमाला ग्रंथ की आपको मैंने बातें वहां पर लिखवा दी, यानी इस ग्रंथ के लेखक कौन है, उद्योतन सूरी। ग्रंथ कब का है, 738 ईस्वी का। यानी इस ग्रंथ में क्या क्या बातें मिलती है, एक तो मिलती है भारत पर हूणों के आक्रमण का उल्लेख। हूण कौन थे, तो मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बाद में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसके बाद 18 देशी भाषाओं का क्या मिलता है, उल्लेख। और 18 देशी भाषाओं में एकमात्र भाषा जो कौन सी भाषा, मरु भाषा का बीच में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का मतलब वर्तमान मारवाड़ी, वर्तमान कौन सी, मारवाड़ी। अब देखिएगा अगली बात, इसके साथ मारवाड़ी की अब उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो उत्पत्ति आप ध्यान, अभी मैंने बताया था उत्पत्ति यानी सोर से नी प्राकृत के गुजरी, सोर से नी प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, तो गुजरी अपभ्रंश से, यानी राजस्थानी भाषा की बोलो या फिर किसी ओ आपने राजस्थानी भाषा की बोलो या मारवाड़ी बोली की बोलो, एक ही चीज इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो सोर से नी प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से हुई थी, गुजरी अपभ्रंश से हुई थी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अब जो हमारी नेक्स्ट बात है वो ऐसा मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है, मारवाड़ी आ गया, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है। तो इस मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप ध्यान रखना क्या है, डिंगल, क्या है, डिंगल। यानी इसका जो साहित्यिक रूप है साहब, यानी साहित्यिक रूप, ये साहित्यिक रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो साहित्यिक रूप है वो है डिंगल। ध्यान रखिएगा आगे एक साहित्यिक रूप और आएगा वो एक पिंगल, वो तो है ढूंढाड़ी भाषा का, लेकिन ये जो डिंगल जो साहित्यिक रूप है ये कौन सी बोली का है, मारवाड़ी बोली का। समझ मेरी बात, तो ध्यान से देखिएगा पहले क्षेत्र, यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, नागौर बीकानेर जैसलमेर पाली जालोर और बाड़मेर। अगली बात, प्राचीनतम प्रमाण कुवलिमाला ग्रंथ में, और उत्पत्ति इसकी कहां से हुई, सोर से नहीं प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। अगली बात, साहित्यिक रूप इसका क्या है, डिंगल। आगे अभी कह देता हूं साहब आगे एक पिंगल और आएगा, वो पिंगल होगा ढूंढाड़ी भाषा का, लेकिन आपको यहां पर मारवाड़ी बोली का ध्यान रखना कौन सा है, डिंगल, कौन सा है, डिंगल। अब देखिएगा अगली बात, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली, यानी पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोलो या प्रमुख बोली, यानी पश्चिम राजस्थान में जो सबसे ज्यादा, जो पश्चिम राजस्थान के आपसे पूछ लेना प्रमुख बोली कौन सी है, तो कौन सी है, मारवाड़ी, क्योंकि पश्चिम के लगभग जिलों के अंदर तो कौन सी बोली जाती है साहब, मारवाड़ी बोली है, नहीं है। अब देखिए अगली बात, राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली, यानी कर्णप्रिय का मतलब है कि इस बोली को सुनने में कानों को एकदम क्या लगती है, बहुत ही सुनने में कानों को बहुत ही क्या लगता है, अच्छा। क्योंकि मारवाड़ी बोली के अंदर आप जानते ही हो साहब, क्योंकि इस बोली के अंदर छोटे और बड़े का क्या होता है, बहुत ही सम्मान होता है। यहाँ पर कभी भी बड़े आदमी को हम चाहे उसको जानते ही नहीं है, यानी हमसे कोई बड़ा आदमी हमसे मिल जाए, हम भले उसे जानते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करते साहब, यानी ऊंची आवाज में पुकारते हैं, यानी थेकारे के साथ, आप कहाँ से हो जी, है नहीं, आप कहाँ से हो या आप के कर रिया हो, आप कहाँ से आए हो, यानी उस तरीके से मतलब ऊंची आवाज में इस बोली के अंदर पुकारा जाता है। इसीलिए ये राजस्थान की सबसे क्या है साहब, कर्णप्रिय बोली। अन्य जगहों पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पर छोटे मोटे का सम्मान नहीं है, लेकिन मारवाड़ी बोली में साहब बहुत ही छोटे मोटे का सम्मान है। यदि आपने कहीं नहीं देखा है तो कभी आएगा मारवाड़ी गाँवों के अंदर, वहाँ पर आप मारवाड़ी गाँव के अंदर इस बोली का आपको गाँवों के अंदर रूप देखने को मिलेगा, जो असली रूप मारवाड़ी बोली का। तो ध्यान रखना ये राजस्थान की सबसे क्या है, कर्णप्रिय बोली है। कैसी है, कर्णप्रिय बोली, मतलब कानों को सुनने में बहुत ही क्या लगता है, अच्छा लगता है। अब देखिएगा अगली बात क्या है साहब, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा, यानी राजस्थान में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कोई बोली बोली जाती है तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। क्योंकि राजस्थान के जो बड़े बड़े जिले हैं, उन बड़े बड़े जिलों में तो कौन सी बोली जाती है साहब, मारवाड़ी। देखो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर के बाद में बीकानेर सबसे बड़ा, बीकानेर के बाद में बाड़मेर सबसे बड़ा, और बाद में कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा जोधपुर। तो इन चारों में तो सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो कौन सी बोली जाती है साहब, तो ध्यान रखना मारवाड़ी। तो लो जी ये बात है। अब देखिएगा एक अंतिम बात, ध्यान रखिएगा अगली बात, मेरे यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ख्याल से आपको चीजें दिखाई तो दे रही होगी, एक बार ध्यान से और देखिएगा। अब देखिएगा मारवाड़ी जो बोली है, ध्यान रखिएगा जो हमारी मारवाड़ी बोली है इसके अंदर, यानी अधिकांश
जैन साहित्य वे अधिकांश जैन साहित्य वे मीराबाई के ग्रंथ इसी भाषा में है। यानी जो अधिकांश जो हमारे जैन साहित्य हैं और उसके माने जो मीराबाई के जो ग्रंथ हैं वो भी किस भाषा में है? साहब मारवाड़ी बोली में। कौन सी में? मारवाड़ी भाषा में। लो जी, ये आपकी कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, पहले जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर और बाड़मेर में। अगली बात, प्राचीनतम प्रमाण कुवलियमाला ग्रंथ में, 738वीं का यह ग्रंथ है। लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। अगली बात, उत्पत्ति शोर से प्राकृतिक गुजरी अपभ्रंश से। अगली बात, आप साहित्यिक रूप डिंगल। नेक्स्ट बात, यह राजस्थान की प्रमुख बोली है। अगली बात, पश्चिम राजस्थान की प्रमुख बोली। अगली बात, राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली। अगली बात, आप अधिकांश जैन साहित्य वे मीराबाई के ग्रंथ कौन सी भाषा में? तो कौन सी भाषा में दोस्त? मारवाड़ी में। कौन सी में? मारवाड़ी। फटाक से क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इन चीजों के बाद में आगे कौन सी पढ़ेंगे? हम इसकी उपबोलियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आगे? इसकी उपबोलियां। फटाक से क्या कर लीजिएगा? चीजों को नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर होती हुई चल रही होगी। कर लीजिएगा। कहते ना, यूना हिम्मत हारे मंजिल के मुसाफिर, दुख यहाँ मिला है तो दवा भी कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगी। तो अपने जज्बातों को बनाए रखिएगा, क्योंकि जज्बातों को बनाए रखने से ही एक दिन है जो ये हमारा पागलपन वो हमें बड़े शिखर तक पहुँचेगा। लेकिन अपने आप के अपने जज्बातों को क्या है जो मजबूत रखिएगा साहब। फटाक से क्या कर लिया? मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। चीज़ों को एक बार क्या है रफली तरीके से नोट करते हुए चलिएगा, उसके बाद में आप सेकंड बार अपने अच्छे से चीज़ों को वापस नोट कर लिया करो। यानी चीज़ों को लिख लिख कर पढ़ा करो, क्योंकि लिखने से चीज़ें हैं जो हमारी परमानेंट होती हैं। लिख लिख के पढ़ना चाहिए, चाहे जीके हो चाहे किस और भी पढ़ो, लेकिन हर चीज़ को क्या करना चाहिए? लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। कर लिया होगा। अब देखिएगा अगली बात। अब इसकी उपबोलियां देखते हैं हम। अब देखिए उपबोलियां, और उपबोलियों में जो सबसे पहले बोली बोले उपबोली, अब इसकी देखते हैं उपबोलियां। और उपबोलियां में जो सबसे पहली भाषा वो कौन सी है? तो आप बताओगे मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली के बारे में बातें करेंगे? मेवाड़ी। बताओगे मेवाड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बताओगे मेवाड़ कहाँ का? तो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। ये क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। और यहीं पर ये कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली। यानी कौन कौन सा हो गया साहब? चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उसके बाद में उदयपुर। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। अब अगली बात देखिएगा, इस मेवाड़ी बोली का जो हमें शुद्ध रूप है, मेवाड़ी बोली का हमें जो शुद्ध, आपसे पूछ लेना कि साहब मेवाड़ी बोली का शुद्ध रूप कहाँ पर देखने को मिलता है? मेवाड़ी शहरों में, मेवाड़ी गाँवों में, या कुछ और? आपको दो ऑप्शन के अंदर और दे दे। तो ध्यान रखना, इस मेवाड़ी बोली का जो शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है वो मेवाड़ी गाँवों में मिलता है। कहाँ पर मिलता? मेवाड़ी गाँव में। तो ध्यान रखिएगा, इस बोली का शुद्ध रूप मेवाड़ी गांवों में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा क्या, कि इस बोली का जो मेवाड़ी बोली है, इस मेवाड़ी बोली का जो शुद्ध रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो कौन से गांवों में? मेवाड़ी गांवों में मिलता है। कहां पर मिलता है? मेवाड़ी गांव में। अब देखिएगा नेक्स्ट बात,
बताओ राजस्थान में जो सबसे बड़े क्षेत्रफल कौन सी बोली बोली जाती है, तो कौन सी है? मारवाड़ी। लेकिन आपसे पूछ लेना कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली कहां पर बोली जाती है, तो वो कौन सी बोली है? मेवाड़ी बोली। तो ध्यान रखा, राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली, यानी पहली प्रमुख बोली कौन सी है, तो वो तो है अपनी कौन सी? मारवाड़ी। और इसी मारवाड़ी की अगली उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी। और यही मेवाड़ी राजस्थान की दूसरी क्या साहब? प्रमुख बोली है। ये लो साहब आपकी कौन सी होगी? एक मेवाड़ी। अब देखिएगा अगली, मेवाड़ी का ध्यान रखिएगा, पहले क्षेत्र चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। उसके बाद इस बोली का जो शुद्ध रूप है वो मेवाड़ी गांवों में देखने को मिलता है। ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली है और ये भी बहुत ही कर्णप्रिय बोली है साहब। ये भी बहुत ही क्या करण, भी मेवाड़ी बोली भी मारवाड़ी की तरह साहब, इसमें भी छोटे मोटे का क्या होता है, बहुत ही सम्मान होता है। अब देखिएगा मेवाड़ी के बाद में अगली हम इसकी उपबोली देखेंगे, वो देखेंगे वागड़ी। कौन सी? वागड़ी बोली। अब बताइएगा वागड़ी बोली और ये जो वागड़ क्षेत्र है, इस तरीके से देखिएगा, मैं आपको दक्षिण राजस्थान बताता हूं। दक्षिण राजस्थान में यहां पर जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। और उसके बाद में यहां पर कौन सा है? डूंगरपुर। और इधर की साइड में कौन सा आता जा? प्रताप, यानी प्रतापगढ़। यहाँ पर कौन सा आ जाता है? प्रतापगढ़। तो देखिएगा, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसे तो हम कहते हैं छप्पन का मैदान या कांठल प्रदेश। और जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? मेवल क्षेत्र, या फिर कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वागड़ी बोली है ये कहां पर बोली जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? तो आप बताओगे कौन सी है साहब? वागड़ी। कौन सी है? वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? वागड़ी। अब देखिएगा, बताओ डूंगर और जो बांसवाड़ा है ये भील जनजाति से प्रभावित है, यानी भील जनजाति यहाँ पर अधिक बड़े स्तर पर पाई जाती है, इसीलिए इसकी जो उप बोली है वो उप बोली, इसी वागड़ी की जो उप बोली है वो कौन सी है? वो कौन सी है साहब? भिल्ली। कौन सी है? बिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये जो वागड़ी बोली है ये कौन सी जनजाति के द्वारा बोली जाती है? तो यहां पर भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है। लिख देता हूं, ये भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। फटाक से क्या करते हुए चलिएगा, इन चीजों को भी क्या कर ले, नोट कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां पर जगह बची हुई है, यहां पर मैं और आपको एक दो बोलियां बता देता हूं। देखिएगा, अब देखिएगा वागड़ी के बाद में अगली जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं यहीं पर, शेखावाटी। शेखावाटी ध्यान रखिएगा, सिक्कर चूरू और झुंझुनू, यानी शेखावाटी क्षेत्र कहां पर है? तो सिक्कर चूरू और झुंझुनू में यहां पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? शेखावाटी। और अगली से बता रहा हूं वो कौन सी है? गोडवाड़ी। कौन सी है? गोडवाड़ी। ये गोडवाड़ी कहां पर बोली जाती है? मैंने अभी आपको बताया था प्रमुख केंद्र कहां पर है? तो आप बताओगे बाली तहसील। और ये है कहां पर? पाली में। और कहां पर है साहब? जालोर में। यहां पर ये बोली जाती है वो कौन सी है? गोडवाड़ी। लो जी, मैंने मारवाड़ी की अभी आपको चार उप बोलियां बताई, एक तो मेवाड़ी, एक वागड़ी, शेखावाटी और गोडवाड़ी। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ी क्षेत्र चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। और इस बोली का जो शुद्ध रूप है वो मेवाड़ी गांवों में देखने को मिलता है। अगली बात, यह राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली है, पहली कौन सी है? तो मारवाड़ी। उसके बाद में वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उप बोली कौन सी है? भिल्ली। और यह भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। उसके बाद में अगली है शेखावाटी, सिक्कर चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है। और अगली है गोडवाड़ी, इसका प्रमुख केंद्र कहां पर है? बाली, पाली और जालोर। फटाक से क्या कर लीजिएगा, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा एक बार।
तो चलिएगा, आज हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और लगभग 1 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है और हमने काफ़ी आज बोलियां, पहले हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी राजस्थानी भाषा की, उसके बाद में हम राजस्थानी भाषा की बोलियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो चलिएगा, उसके बाद में हम अगली क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा। और एक आखिरी बात, अपने हिम्मत और हौसलों को बनाए रखना, क्योंकि हिम्मत और हौसलों से क्या मिलेगी साहब, एक दिन जरूर आपको मंजिल मिलेगी। तो चलिएगा, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।